किया सेल्टोस आपको फेसलिफ्ट के साथ में अपडेट होती हुई देखने को मिलने वाली है 2023 के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली कितने बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर चेंजेस के नाम पे आपको कितने बड़े अपडेट्स या फिर मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा। और अगर आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि वो सारी चीज़ें कैसी क्या सीन होने वाला है। लेकिन अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्च डेट्स। बहुत सारी लॉन्च डेट हमें देखने को मिलती है पिछले एक वीक के अंदर भी। अगर आप देखोगे तो 2 से 3 बार जो लॉन्च डेट की जो डेट आती है लीक्स के जरिए वो चेंज होती रहती है, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा स्टेबल न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो इसीलिए आपको शायद हो सकता है मल्टीपल वीडियोज़ देखने को मिले, लेकिन उन सब में चेंज होंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज ज़रूर किया होगा, तो इसी वजह से आपको वीडियोज़ मल्टीपल टाइम देखने को मिल रहे। और जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मालूम है। तो अगर आप नए व्यूअर्स हो तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं, बाकी चैनल पे नए हो तो वीडियो को एंड तक पूरा बिना स्किप किए जरूर देखना, आपको पसंद आएगा। और चैनल को रेफर भी कर सकते हो, प्लेलिस्ट के जरिए आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, तो उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी खैर, सेल्टोस फेसलिफ्ट के बारे में बात करने वाले, इसके बारे में डिटेल में कितने फीचर्स होंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर के अंदर कितने बदलाव देखने को मिलेंगे, लॉन्च डेट और प्राइसिंग के अंदर क्या नए चेंजेस हुए हैं जिसकी इस वीडियो के अंदर बात होने वाली, उन सब की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एक्सटीरियर की। सेल्टोस जब भी फेसलिफ्ट के साथ में आएगी तो एक्सटीरियर के अंदर कितने बदलाव किए जाएंगे उस चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करेंगे, तो फ्रंट की बात करें तो आपको ग्रिल वगैरह के अंदर माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे। हमने ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट के अंदर गाड़ी को देख लिया है, तो हमें ये भी अंदाज़ा आ चुका है कि कितने चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर जो ग्रिल है उसके अंदर कितने माइनर चेंजेस हुए हैं। तो सेम चीज़ आपको इंडिया में भी देखने को मिलने वाली है, बहुत कम मिनिमलिस्टिक आपको चेंजेस ग्रिल के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी मेजर बदलाव आपको जो है हेडलैम्प्स के सेटअप के अंदर देखने को मिलने वाले। पहले जो थी, मतलब अभी वाली जो सेल्टोस है इंडिया के अंदर चल रही है, उसके अंदर जो DRL होती है वो ऊपर से रन करती है, बीच में आती है किया के लोगों की और बोनेट को, मतलब ग्रिल को ज्वाइन करती है। लेकिन जो फेसलिफ्टेड सेल्टोस होगी उसके साथ में जो DRL रन करेगी वो नीचे से रन करेगी, तो हेडलैम्प्स के नीचे से वो DRL आपको देखने को मिलने वाली है, उतना स्लाइटली चेंज आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी फ्रंट की रेडिएटर ग्रिल, फ्रंट का बम्पर, वो सब कुछ चेंज देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ फॉग लैंप्स की डिज़ाइन, फॉग लैंप्स का सेटअप वगैरह भी आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। तो फ्रंट के अंदर कुल मिला के ये सारे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से बात करें तो आपको अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ टायर साइज सेम होगी, डायमेंशंस भी सेम होंगे, तो ये सारी चीज़ों के अंदर कोई भी चेंजेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बात करें रियर प्रोफाइल की, तो वहाँ पे भी आपको टेल लैंप्स का जो सेटअप होगा वही पे ट्विक्स देखने को मिलेंगे। कनेक्टेड टेल लैंप्स इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं, जो कि अभी वाली क्रेटा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं कनेक्टेड टेल लैंप्स। सेम चीज़ आपको सेल्टोस फेसलिफ्ट के साथ में देखने को मिलने वाली है, तो इतना सा चेंज आप टेल लैंप्स के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी रियर के बम्पर के ऊपर भी सेम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगी जैसी फ्रंट के अंदर भी आपको ऑलरेडी देखने को मिल रही होगी, तो ये सारे चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये सारे चेंजेस होने भी वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी को हमने देख लिया है ग्लोबल मार्केट के अंदर। और ओवरऑल भी बात की जाए तो क्रेटा और सेल्टोस दोनों के अंदर बहुत सारे चेंजेस एक्सटीरियर में होने वाले इन टर्म्स ऑफ लुक या फिर बात कर लो डिज़ाइन की। फेसलिफ्ट होने के बावजूद वो बहुत सारे चेंजेस के साथ में आने वाले हैं, तो इसीलिए कई सारे ब्रांड जो है अपने प्रोडक्ट्स को ये सारे चेंजेस तो न्यू जनरेशन के ऊपर देते हैं जितना ये लोग सिर्फ फेसलिफ्ट के साथ में देने वाले। खैर, बात करेंगे अब इंटीरियर की। इंटीरियर में सबसे पहले गुड न्यूज़ होगी आपके लिए, जो कि है पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है गाड़ी के साथ में आपको, जो कि वॉइस असिस्टेंट के साथ में आपको देखने को मिलेगी। प्लस इसके साथ साथ आपको शार्क पिन एंटीना वगैरह प्रॉपर देखने को मिलने वाला है। बात की जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किया स्पोर्टेज के साथ में, जो USA वाले वेरियंट के अंदर हमने 2022 के एंड होने तक उसको लॉन्च किया गया था और उसी के अंदर देखा था, वही सेम यूनिट आपको प्रोवाइड करवाया जाने वाला है इंडिया बाउंड सेल्टोस के अंदर। इंफोटेनमेंट सेम होगी जो अभी आ रही है, लेकिन उसके अंदर UI और थीम को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किया जाएगा और जिससे आपको फ्लुइडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी अभी के मुकाबले भी, तो वहाँ पर भी कोई भी आपको लैग वगैरह, मतलब हमेशा से कभी भी कोई दिक्कत रही नहीं है Hyundai Kia ग्रुप के इंफोटेनमेंट या फिर टैग के फीचर्स के अंदर। लेकिन उसके बावजूद आपको और ज़्यादा अच्छी फ्लुइडिटी देखने को मिलने वाली है। कूल्ड ग्लव बॉक्स, आपको प्रॉपर एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट की दोनों सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलेगी। GT लाइन वाले वेरियंट के अंदर आपको ड्राइवर सीट आपको मेमोरी फंक्शन के साथ में भी देखने को मिलने वाली है। रियर सीट के ऊपर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर AC वेंट्स प्रॉपर देखने को मिलेंगे। रियर की विंडोज़ के ऊपर दोनों प्रॉपर रिट्रैक्टेबल सनशेड देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के एमिनिटीज़ के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे फीचर्स आपको इंटीरियर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं।
लेवल 2 का एडस आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाला है, जो कि कवर करेगा ऑलमोस्ट वो सब फीचर्स जो आपको XUV700 में ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, जो कि है लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, रेडार, ब्रेकिंग, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा के साथ साथ आपको वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ में देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें टैक के मामले में आपको गाड़ी और ज़्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू दी कॉम्पिटिशन। तो बहुत तगड़ी चीज़ें आने वाली है सेल्टॉस और क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ में। क्रेटा फेसलिफ्ट के ऊपर भी जो वीडियो है वो सारे वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो और भी कई सारी गाड़ियों को डिस्कवर करने के लिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर रेफर कर सकते हो अगर चैनल पे नए हो तो। बाकी ये सारी चीज़ें थी इंटीरियर के केस के अंदर, तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर फीचर्स। बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट की, जो कि हमारा होने वाला है इंजन ऑप्शंस। इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस के अंदर आपको कितने चेंजेस देखने को मिलेंगे उसकी बात करें तो वहाँ पे राउंड फिगर आपको 0 देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ चेंज। कोई भी चेंज वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितने इंजन ऑप्शन और एंड गियरबॉक्स ऑप्शन ह्यूंडई किया ग्रुप के पास है उतने, अगर बात कर लो ये पर्टिकुलर सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट के अंदर जितने गियरबॉक्स और इंजन के ऑप्शन क्रेटा और सेल्टॉस के पास में उतने पूरे कॉम्पिटिशन में सेगमेंट के अंदर और कोई भी प्रोडक्ट के पास, कोई भी ब्रांड के पास नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत कभी भी नहीं रहेगी ह्यूंडई और किया दोनों को, मतलब ह्यूंडई किया ग्रुप को कोई ज़रूरत वहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की। तो इस वजह से कोई भी चेंज आपको इंजन ऑप्शन एंड गियरबॉक्स के अंदर नहीं होने वाला है। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि जो गियरबॉक्स के ऑप्शन है वहाँ पे इंटरनली वो लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बात कर लो 6 स्पीड का AMT को उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ में। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी होगी वो सेम रहेगी इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दी ऑप्शन। तो कोई नया एडिशन या फिर कोई रिमूवल नहीं देखने को मिलेगा आपको, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। खैर अब लॉन्च डेट और प्राइसिंग की बात करेंगे जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। खैर प्राइसिंग होने वाली है 11-21 लाख शुरू, जो बिना एडस वाले वेरिएंट होंगे उनकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 23.5 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो एडस के साथ में आएंगे वो आराम से 25 लाख ऑन रोड जाने वाले, तो ये सारी एक्सपेक्टेशन है अभी भी प्राइसिंग के टर्म्स के अंदर। बाकी लॉन्च की बात करें कि लॉन्च कब किया जाने वाला है या फिर अनवीलिंग कब एक्सपेक्टेड है, तो अगस्त 2023 के अराउंड आपको इसकी अनवीलिंग जो है एक्सपेक्टेड की जा रही है। बाकी अगर कोई और स्टेबल न्यूज़ आता है हमारे और या फिर हमें कोई और लीक्स देखने को मिलते हैं तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनता है। तो ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, शॉर्ट्स जो आते हैं रेगुलरली आपके लिए वो ज़रूर देखा करो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं आपके लिए। इंटरेस्टेड हो गए आप, अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अपकमिंग कार्स की डिटेल्स की जो क्विक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।